आ गई हूँ मैं फिर से एक तड़कता भड़कता सेल लेके। आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं किस सेल की बात कर रही हूँ। यस, साल में इस टाइम पे एवरी ईयर मैं वेट करती हूँ कब ये सेल आएगा और कब, बहुत भारी है, मैं साइड में रख लेती हूँ, कब ये सेल आएगा नायका का हॉट एंड हॉट पिंक सेल। हाँ, बहुत हॉट ही है क्योंकि ऐसा डिस्काउंट देते हैं वो लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या बताओ, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आखिर में एक क्या बताओ, एक बहुत बड़ी बिग सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी, मेरे लिए भी, क्योंकि एक चीज जो मैं काफी दिनों से काफी हद तक बेहद मैं चाहती थी जो मुझे मिले, वो प्रोडक्ट मैंने परचेस किया है, इस हॉल में ही है, वो मैं एकदम वीडियो के अंत में दिखाऊंगी और वो देखिए आप जरूर कि वो प्रोडक्ट क्या है, वो जो मैं इतना इंतजार के बाद मुझे वो मिला, दैट्स माय सरप्राइज परचेस, आई कैन शेयर विद यू। वेलकम बैक टू माई चैनल द ब्राइडल मेकओवर एंड मोर। अब ये मोर पे और क्या क्या मिलेगा, शायद आप लोगों के पास ये सवाल आता ही होगा ना। वेल, मोर पे आपको बहुत सारे कुछ मिलेंगे, अब वेट कीजिए और देखते रहिए। आज मैं क्या वीडियो लेके आई हूँ तो आपको पता चल ही गया है। अब ज़्यादा मैं इसमें इंट्रो में ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा मैं लेके जाऊँगी मैंने क्या क्या प्रोडक्ट, ये पिंक नायका का जो पिंक सेल चल रहा है जो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक ये था, तो उससे मैंने क्या क्या परचेस किया है और मैंने क्यों परचेस किया है, कुछ चीज़ें मैंने दोबारा परचेस किया है, ये सब मैं आज बताने वाली हूँ, आप लोग बस दिखाने वाली। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट। सो सबसे पहले आती हूँ जो मैं रिपर्चेस किया है, यस, मतलब मैंने पूरा इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने दूसरी बार उसको परचेस किया, मुझे इतना अच्छा लगा। द फर्स्ट वन इज लॉरियल पेरिस रिवाइटल लिफ्ट सीरम, एक्चुअली है फेस सीरम फॉर द क्रिस्टल क्लियर स्किन के लिए। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट, ट्रस्ट मी, मैंने ये रिपर्चेस किया है, मैंने एक तो पूरा खत्म कर दिया है, अभी फिर से मैंने रिपर्चेस किया है। दिस इज अ अमेजिंग प्रोडक्ट, मुझे ये इतना अच्छा लगा, मैं पिछले एक साल से ज्यादा मेरे ख्याल से डेढ़ साल से मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, मुझे इतना अच्छा लगा। ये खरीदी थी, एक्चुअली ये दावा करती है कि ये 10 लेयर्स डीप तक जाते हैं स्किन के अंदर और एक्चुअली उसको मतलब स्किन को क्या बताऊँ, क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं और जो भी मतलब पिगमेंटेशन के दाग वगैरह होते हैं वो सब रिड्यूस भी करती है, क्लेम है, बट ट्रस्ट मी ये काम करता है, एकदम ओवरनाइट तो आपको नहीं मिलेगा बट अब इस्तेमाल करते करते आपको पता चल जाएगा। अब मैं आती हूँ सेकेंडरी परचेस में, इसके बारे में मैं क्या बताऊँ, यस, आज मैंने ये जो लुक क्रिएट किया है उसमें मैंने इस्तेमाल भी किया है लैश पैराडाइज मस्कारा। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट, मतलब मैंने इतने मस्काराज काफ़ी सारे यूज किया है वो, बट ये लैश पैराडाइज का जैसा मस्कारा इसको ही मैंने रिपर्चेस किया है। सो दिस इज ऑल्सो अमेजिंग, मतलब आई हैव रियली वेरी थिन वेरी स्मॉल लैशेज मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं यूज करती हूँ फॉल्सीज, क्या करूँ, जरूरत है, लेकिन टूडे मैंने ये इसका सिर्फ टू लेयर लगाया है और देखिए इट्स आई थिंक विजिबल है, वो दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम वही स्मॉल, ये बहुत एक्सटेंड करते हैं लैशेज को। एंड द मोस्ट फेमस क्या बताओ, मैक कॉस्मेटिक्स, मैक की ऑफर बहुत बढ़िया थी। सबसे बड़ी बात थी, अगर मैक, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है, मैक का कुछ ऐसा ऑफर था कि आप 5,000 रुपीज स्पेंड करो तो आपको फ्रीबी में एक अच्छा सा बड़ा सा मतलब ब्लश, या तो एक फुल साइज लिपस्टिक और या तो फिर आपको एक हाईलाइटर, मतलब स्किन फिनिश मिनरलाइजर जो हाईलाइटर है वो हाईलाइटर आपको मिल रही थी। तो मैंने ये फिक्सर जो रिपर्चेस किया है प्रेप एंड प्राइम मैक का, ठीक है, और इस बार मैंने गोल्ड लाइट लिया है क्योंकि दिस इज अमेजिंग, मतलब इससे दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फिक्सर फॉर मी, बहुत अच्छी है। और दूसरी मैंने जो दो चीज़ खरीदा, एक है NC42 मेरे स्किन शेड है, ये है कॉम्पैक्ट, मतलब मैं की जो स्टूडियो फिक्स, जो मोस्ट फेमस स्टूडियो फिक्स NC42, और मैंने परचेस किया है NC41। कभी कभी क्या होता है कि आपकी स्किन टोन पूरे थ्रू आउट द ईयर सेम डे रहते हैं, मतलब मेरे स्किन के हिसाब से कभी कभी NC41 NC42 दोनों ही मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो ये तीनों मैंने एक्चुअली परचेस किया है और गेस कीजिए मुझे फ्रीबी में क्या मिला, आई कैन शो यू, यस, द फुल साइज हाइलाइटर, दिस इज अमेजिंग हाइलाइटर, मुझे मैक का ऑफर बहुत बढ़िया लगा। सो फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ, पूरे साल भर मैं मतलब वेट करती हूँ इस पिंक सेल के लिए, ट्रस्ट मी, नायका का ये पिंक सेल ना जस्ट दिल को छू जाते हैं और मैं हर बार ना चाहते हुए भी काफी सारा परचेस कर ही लेती हूँ। माई फोर्थ एंड लास्ट रिपर्चेस इज द मोस्ट फेवरेट यूकस नंबर 1 हाइलुरोनिक एसिड
रिवाइटलिफ्ट हाइलोरोनिक एसिड सीरम, ये मैंने रिपर्चेस किया है। दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट, मतलब एनी टाइम, डे टाइम, नाइट टाइम आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्किन को इतना एक प्लम्पी सा फिनिश देता है ना, एक हाइड्रेट करते स्किन को अंदर से, और आप रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो विद इन 7 डेज आपको डिफरेंस पता चलेगा। ट्रस्ट मी, मैंने इसका एक पूरा रिव्यू भी दिया है हाइलोरोनिक एसिड के ऊपर, इसी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने एक पूरा फुल रिव्यू दिया है, उसका अगर मतलब देखना है वो रिव्यू मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या फिर ऊपर लिंक दे दूंगी। लेकिन दिस इज अमेजिंग प्रोडक्ट, तो इसको मेरा फिर से मैंने इसको रिपर्चेस किया है, और मेरे ख्याल से मैं फ्यूचर में भी इसको रिपर्चेस करती रहूंगी क्योंकि ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट है। अब मैं आती हूँ, अब मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया है या फिर उस ब्रांड के मैंने कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया है जो मेरे लिए नया है। हाँ, बट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट। जैसे मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये फेसेस कनाडा का अल्टाइम प्रो मैट लिप क्रायोन की सबसे बड़ी बात है, ये आई वन गेट वन, मतलब बाई वन गेट वन आ रहा था लिप क्रायोन्स के हिसाब से। तो मैंने दो शेड लिया है, एक लिया है मैंने ब्लश न्यूज और दूसरे मैंने लिया है लेट्स कॉफी। ये दोनों ही मतलब बहुत बड़ी, ये ऐसे कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं और इसके अंदर जैसे ये आते हैं एक ऐसा एक लिप क्रायोन और एक शार्पनर, मतलब दोनों के साथ एवरी इंडिविजुअल लिप क्रायोन के साथ एक शार्पनर फ्री है। और ये बहुत ही मतलब मैट, क्या बताऊँ, मैट एंड ट्रांसपेरेंट लिप क्रायोन है, मुझे बहुत पसंद है ये। और मैंने ये पहले इस्तेमाल किया लेकिन दूसरी शेड इस्तेमाल किया है, तो ये शेड मैंने पहली बार लिया है, ये मुझे बहुत अमेजिंग ऑफर में मिला। बट ये ब्रांड मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने प्रोलिक्सर की कभी भी कोई स्किन केयर प्रोडक्ट मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मुझे इसमें 10% नाइसिनामाइड दिखा और इसमें है 1% एच ए प्लस जिंक। एक्चुअली मैंने ये क्यों खरीदा मैं आप लोगों को बताती हूँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइज। मैंने इसका काफ़ी सारा अच्छा अच्छा रिव्यू देखा और स्किन के लिए मतलब जो नाइसिनामाइड होते हैं वो, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि नाइसिनामाइड एक्चुअली क्या करते हैं। ये जो स्किन पे हम लोग का थोड़ा थोड़ा मतलब छोटे बहुत जो पिगमेंटेशन की दाग होते हैं ना, नाइसिनामाइड उसके लिए बहुत अच्छी है। तो मुझे पिगमेंटेशन की दाग है, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, दिखा भी चुकी हूँ, बेयर स्किन आप लोग मेरे देख चुके हैं सीटीएम वाली रूटीन पे। तो मुझे लगा कि एक्चुअली जितने सारे मैंने देखा है रिव्यू, तो मुझे उस पर लगा कि ये बहुत अच्छा है, अच्छा काम करेगा और इसका रिव्यूज काफ़ी अच्छा है। और प्रोलिक्सर इट्स ए गुड ब्रांड एंड रेपुटेड ब्रांड, इसमें काफ़ी सारे स्किन केयर रेंज इसकी इतनी बड़ी है। तो मैंने सिर्फ ये एक फेस सीरम लिया है, इसको पहले टेस्ट करती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँगी जब भी मैं टेस्ट करूँगी इनको। तो देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो मैं पूरा रेंज खरीदूंगी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रोडक्ट ये है लॉरियल पेरिस की, ये है जेंटल आई एंड लिप मेकअप रिमूवर फॉर वाटरप्रूफ मेकअप। बहुत अच्छी मेकअप रिमूवर है, स्पेसिफिकली फॉर आई मेकअप। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, मस्कारा बहुत जीती होता है और वो लैश पैराडाइज जैसे मस्कारा, ओ माय गॉड, डबल लेयर इस्तेमाल करने के बाद वो 2-3 दिन तक ऐसा होता है कि वो निकलते ही नहीं है, कि चाहे आप कितने भी ऑयल बेस्ड मतलब क्लींजर यूज कर लो, बम बेस्ड क्लींजर यूज कर लो या फिर कुछ भी, सोप नहीं निकलते हैं। तो दिस इज रियली गुड, मैंने देखा इनका रिव्यू देखा, ये मैंने फर्स्ट टाइम परचेस किया है, आई थिंक मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा, जो भी रहेगा आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूँ। मेरी नेक्स्ट परचेस है दिस वन, ये है लॉरियल पेरिस की इजी रिमूव विथ वार्म वाटर एयर वॉल्यूम मस्कारा। मैंने इसका काफ़ी रिव्यू देखा है एंड मतलब रिव्यू बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है ये ऐसे लैश पैराडाइज के जैसे मतलब बहुत एक्सटेंड करते हैं, वॉल्यूम देते हैं, ये सभी मैंने मतलब रिव्यू में देखा है। सो मैंने ये परचेस किया, मुझे इसका भी मतलब बहुत अच्छा डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा था ये भी, तो मैंने ले लिया। जब भी मैं इसको पहली बार इस्तेमाल करूंगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी। मैं जो भी प्रोडक्ट खरीदती हूँ दोस्तों, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा, क्या मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, जो अच्छा रहा तो भी मैं शेयर करती हूँ, बुरी रहती है तो भी मैं शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ एकदम ऑनेस्ट रहने की और एकदम ऑनेस्ट रिव्यू देने की। माई नेक्स्ट परचेस ये है नायका की, नायका नेचुरल की, ये बात इस केयर से मैंने हेयर मास्क खरीदा है, मतलब कैसे मैं आपको ये दिखाई देती हूँ इसको मैं हम लोग जब शैम्पू वगैरह करते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये ऐसा एक है, इस तरीके का वो दिया गया है, यहाँ पे एक बटन जैसा है, ठीक है। तो हेयर रैप है एक्चुअली ये, आप बाल को बांध के इसको आराम से मतलब ड्राई कर, टॉवल ड्राई जैसे इसको कहते हैं, टॉवल। सारे प्रोडक्ट के साथ मुझे जो फ्री मिला है वो है जानवी कपूर का साइन किया हुआ एक पाउच और यहाँ पे नायका नेचुरल्स का एक शैम्पू, मतलब आंवला रीछा शिकाकाई शैम्पू, जो मतलब एक मेरे ख्याल से ट्रेवल पैक है, ट्रेवल फ्रेंडली पैक है, तो ये मिला है। हेयर केयर में मैंने परचेस किया है दिस वन,
कैसे मेरी फर्स्ट परचेस है, मैंने इसकी काफी अच्छी अच्छी रिव्यूज देखी भी है और ट्राइड एंड टेस्टेड भी, मतलब ट्राइड एंड टेस्ट मेरे लिए ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है, ये वेला का है हीट प्रोटेक्टिंग सीरम। मतलब जो हम बालों में स्टाइलिंग करते हैं, कर्लर यूज करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, कोई मशीनरीज इस्तेमाल करने से पहले ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है। दिस इज अमेजिंग स्प्रे और वेला इट्स अ वेरी गुड कंपनी, इसके बारे में और कुछ बोलना नहीं है वेला के बारे में। लेकिन ये मैंने परचेस किया है अपने मतलब बालों को थोड़ा सा सुरक्षित रखने के लिए, वो भी हीट से। सो फ्रेंड्स, अब मैं आती हूँ उस परचेस पे जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरू में बात की थी। यस, द मोस्ट वेटेड परचेस। मैंने इस प्रोडक्ट के लिए काफ़ी सारा मतलब मेरे ख्याल से क्या बताऊँ, एक डेढ़ साल तो मैंने इसकी वेट किया ही है और वो मुझे इतना अच्छा बजट में मिलेगा, आई कांट इवन इमेजिन। यस, ये है वो प्रोडक्ट। ये है एलन ट्रूमैन की आर्गन गोल्ड 38 mm टोंग, आप बोल सकते हो, कार्डर आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। मेरे ख्याल से मतलब मोस्ट क्या बताओ, मोस्ट वांटेड कार्डर ये है एलन ट्रूमैन के। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ये क्यों चाहिए था, मैंने इतना इंतजार क्यों किया। मेरे इतना इंतजार करने का दो रीजन थे। एक रीजन ये था कि मैं पर्सनली बहुत मोटे मोटे कर्ल्स पसंद करती हूँ, मुझे वो एकदम छोटे छोटे कर्ल्स उतना पसंद नहीं है, मुझे थोड़ा सा वेवी हेयर, वो बीची लुक, बीची कर्ल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मुझे मोटा कर्लर बहुत चाहिए, दिन से मतलब मैं ढूंढ रही थी। तो उस टाइम पे मुझे ये एलन ट्रूमैन की मैंने रिव्यू देखी, मैंने रिव्यू पढ़ी भी, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे उस प्राइस पे नहीं मिल रही थी जो प्राइस मुझे चाहिए थी। इस बार नायका सेल में उस पर इतना अच्छा डिस्काउंट दिया कि मैं और नहीं ले पाई और मुझे वो मिल भी गया। तो मैं आपको जो पैकेजिंग मैंने बाहर का दिखा दिया, अंदर देखिए, अंदर किस तरीके से ऐसे पैकेजिंग पे वो आते हैं लाइक दिस, ओके, एकदम बहुत अच्छा ऐसे पैकेजिंग। और इसके अंदर आपको एक यहाँ पे एक मैनुअल गाइड भी मिलेगा, ठीक है, लाइक दिस। मैं प्रॉमिस करती हूँ जब भी मैं इसको पहली बार इस्तेमाल करूंगी आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी कि कैसे मैं करती हूँ, कैसे मैं ये काम, कैसे ये काम करते हैं, आप लोगों में लाइव मतलब डेमोन्स्ट्रेशन दिखा के आपको बताऊंगी। ये देखिए, सी दिस इज द कार्लर। ये जो टिप है ये गर्म नहीं होता है, यहाँ पे आप पकड़ सकते हो, यहाँ पे पकड़ने से मतलब आपके हाथ जलने कोई संभावना नहीं है। और यहाँ पे ऐसे मतलब एक क्लैम्प दिया गया है आप बालों को होल्ड करने के लिए। अर्गन ऑयल इसमें मतलब बोल रहे हैं कि अर्गन ऑयल यहाँ पे जो मतलब इन्फ्यूज क्या बताऊँ लगाया हुआ है अर्गन ऑयल, इसलिए बोल रहे हैं कि आपके बालों को वो हीट प्रोटेक्शन भी देगा और एज वेल एज बालों को उतना ड्राई और रफ नहीं करके देगा, इसीलिए दिस अर्गन ऑयल फिनिश इज देयर। और इसका 3 मीटर लंबा इसका मतलब तार है, तो आप कहीं पे भी आपका प्लग पॉइंट हो आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग एंड माय मोस्ट फेवरेट परचेज फ्रॉम दिस हॉल, मतलब इस नायका हॉल में, पिंक हॉल में, मतलब मेरा ये सबसे अमेजिंग परचेज। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक मतलब नायका हॉट पिंक सेल की हॉल रिव्यू। हर साल ये जुलाई में, मेरे ख्याल से जुलाई अगस्त इस टाइम पे ये हॉट पिंक सेल आता है और मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि मैं क्या 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 छोड़ के क्या खरीदूँ क्या ना खरीदूँ। पर्सनली मैं नायका से बहुत सारी कुछ परचेस करती हूँ। मैं यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैं नायका के बारे में इतना कुछ बता रही हूँ कि क्या मैं ब्रांड को प्रमोशन कर रही हूँ, क्या मैं नायका को प्रमोशन कर रही हूँ, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जितने सारे परचेस आप लोगों ने देखा है सब मैंने अपने पैसों से खरीदा है, इसमें कोई PR की कोई बात ही गुंजाइश ही नहीं है, ऑल आर माई ओन परचेस। बट मैं चाहती हूँ आप लोग साथ शेयर करना इस टाइम पे, मतलब जब तक ये वीडियो मेरे ख्याल से अपलोड होगी तब तक ये नायका का हॉट पिंक सेल खत्म हो चुका होगा। बट इस टाइम पे नायका मतलब ये रेनी सीजन में मानसून पे एक ऐसा मानसून का सेल चलता है, इट्स जस्ट अमेजिंग। हम जैसे ब्यूटी लवर के लिए इट्स जस्ट वाओ, बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया रहते हैं। तो आप लोग अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक थम्स अप तो जरूर बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कई तरीके की नए नए वीडियोस आपको मिलेंगे। और क्या देखना चाहेंगे आप मेरे चैनल पे, कुछ नया देखना चाहेंगे तो वो भी लिख के बताइए, हम हाजिर है ऑनेस्ट ओपिनियन के साथ आपके लिए हमेशा। ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया अगर देखना है तो प्लीज गो हैड एंड चेक माय IGTV, मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, लिंक ऊपर दिया हुआ है, देखिए कि मैं वहां पे छोटे छोटे रील्स पे वीडियोस में मैं हमेशा आती हूँ, रोज एक्टिव रहती हूँ कि कैसे मैं ये मेकअप करती भी हूँ, कैसे मेकअप उठाती भी हूँ, ये सब छोटे छोटे लाइफ अपडेट्स भी देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जरूर जाइए। तो फ्रेंड्स, फॉर नाउ बाय।